एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। एग्जाम युग 24 आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट की अचूक श्रृंखला। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग आपको इस श्रृंखला से जुड़ने के बाद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी, प्रैक्टिस ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और इस दिशा में एग्जाम युग 24 लगातार प्रयास कर रहा है, यूट्यूब पे और ऐप पर लगातार प्रैक्टिस डेली होती है। लेकिन अब आपको समय आ गया है जब आपको जज करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। इसके लिए आपको इस टेस्ट श्रृंखला को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो कैसे जुड़ेंगे इस श्रृंखला से, आइए आपको एक संक्षिप्त में बताता हूं मैं। एक बता दूं, जिन लोगों ने एग्जाम यू 24 का ऐप डाउनलोड कर रखा है वो लोग प्रारंभिक चरण में आपको दोबारा डाउनलोड नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है वो जरूर डाउनलोड करें। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे देखिए, स्टेप वन ओपन प्ले स्टोर और स्टोर करके बाद आप सेकेंड स्टेप पे आएंगे। आपको दिखाई देखिए यहां पर एग्जाम यू 24 का ऐप दिखाई पड़ेगा। आप यहां पर टच करेंगे और देन उसके बाद आपको हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ एग्जाम 24 का ऐप दिख गया आपको। आपको इसको इंस्टॉल करना है, आफ्टर उसके बाद आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। देन हमें देखिए स्टेप नंबर 4 पे पहुंच गए हम लोग। देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि आप यहां देख रहे हैं एग्जाम 24 का ऐप खुला हुआ है और इसमें सारी जानकारी भरनी है। क्या क्या भरना है? योर नेम भरना है, योर फोन नंबर, योर मेल आईडी ये भरना है, योर नेम आपको फिर से भरना है, यूजर नेम। आप एक पासवर्ड बना लेंगे सिंपली जो आपको याद रहे। उसके बाद आपको चूज स्टेट, आप किस स्टेट से हैं वो भर देंगे। उसके बाद आप यहां एग्री करेंगे। आप इस तरह से एग्जाम यू 24 पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या प्रक्रिया है। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपके मोबाइल में एग्जाम यू 24 का ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब जब देखेगा ऐसे आपको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको फीचर दिखाई पड़ेगा। यहां देखिए पेड कोर्स लिखा है, जस्ट बगल में लाइव टेस्ट लिखा है। लाइव टेस्ट पे आप टाइप करेंगे। देखिए यहां लिखा है क्लिक हियर ऑन लाइव टेस्ट, तो लाइव टेस्ट पे आप टाइप करेंगे। अब यहां से देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं हम। अब ये ऐसे खुल के आ जाएगा इस तरीके से। स्टेप 6 क्या करना है, यहां देखिए लिखा है आजाद टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हमारी ऑफलाइन भी चलती है और अब ऑनलाइन भी शुरू हो रही है। यहां देखिए लिखा है बाय नाउ और व्यू डेमो, तो आप बाय नाउ पे इस पे आप क्लिक नहीं करेंगे, आप व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे। एंड देन इसके बाद आप यहां देखिए ये इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा। आप देखिए ध्यान क्या रखना है, जो समय दिया जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर 12 बजे का समय दिया गया है तो 12 बजे ही के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिल्कुल एग्जाम जैसा है। ऐसा नहीं कि आप 11:55 पे आ गए आप सोचे शुरू कर दें, तो नहीं कर सकते हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, दिए गए समय तक आपको वेट करना है। इसके बाद देखिए यहां क्या लिखा है, रिहर्सल टेस्ट लिखा हुआ है, जो हम लोग एक टेस्ट ले चुके हैं उसी का देखिए यहां डेमो दिखाया जा रहा है। ये यह देखिए यहां पर जैसे ही समय हो जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इस तरह खुल के आ जाएगा। जैसे ही समय हो जाएगा वैसे ही देखिए यहां पर आपको रिहर्सल टेस्ट ध्यान क्या लिखा है, देखिए अटेम्प्ट लिखा है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आपको यहां पर टच करना है, यहां पे समय होने पर ही अटेम्प्ट शुरू करें, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। देन देखिए इसके बाद क्या प्रक्रिया करनी है आपको। यहां देखिए जरा साहब, अब आपके सामने ये इस तरीके से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कि आप टेस्ट देने के लिए एग्री हो गए हैं, समय हो गया है। आगे अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जरा ये देखिए। यहां पे देखिए आपको इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहां देखिए ऊपर ए एंड बी लिखा हुआ है, आप ये टच कर देंगे तो यहां पे सारे क्वेश्चन आपको दिखने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है तो 4 नीचे ऑप्शन लिखा रहेगा। अब यहां पर देखिए, अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ऑप्शन सी लगा दिया, किसी उत्तर सही है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फॉर कन्फर्मिंग आंसर के लिए सेव करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे तभी आपका आंसर सेव होगा, नहीं सेव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप अभी नहीं करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसे कुछ सोच लूंगा,
हो सकता है कहीं कुछ सवाल ऐसा हो जो दोबारा उससे कोई क्लू मिल जाए आपके दिमाग में, यह हो सकता है। तो बिल्कुल इसके लिए आपसे रखा गया है, देखिए यहां पर मार्क एंड नेक्स्ट। अब आप इसको टच कर देंगे तो क्वेश्चन ये क्या हो गया, मार्क हो गया, आपने इसको आंसर नहीं किया है, लेकिन आप इसका आंसर बाद में करना चाहते हैं तो ऐसे के लिए आपको मार्क एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब देन देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपने सेव कर दिया तो सो फार सो गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा आप यहां पे दो स्टेप निकल के आ रहा है, यहां देखिएगा इस तरीके से जब आप पूरा पेपर कर लेंगे तो मान लीजिए आपने 5 सवाल छोड़ दिया है, मान लेते हैं हम आप 50 सवाल है, 45 अटेम्प्ट कर लिया है, 5 छोड़ दिया था आपने, मार कर दिया था उसको। अब आप चाहते हैं कि लास्ट में उन 5 सवालों को भी आप टिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, यहां देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, पहला स्टेप में क्या करना है इसको टच करना है, जैसे टच करेंगे इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा और यहां देख क्या लिखा है मार्क एंड रिव्यू, इसको टच करते ही वो सारे प्रश्न आपके पेपर सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा जिन सवालों को आपने मार्क किया था। देखिए इतनी सिंपल सी प्रक्रिया है, और उसके बाद आप अगर आपने कर दिया है सब कुछ, अगर सारे सवाल आपने कर लिया है तो आप सबमिट कर देंगे, और नहीं किया अगर 5 सवाल बचे हैं तब उन 5 सवालों को भी आप वैसे जैसे पहले करते थे वैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है सबमिट टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे सबमिट कर देंगे और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी और एक बार ध्यान रखिएगा, आप नियत समय के अंदर ही इस प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। आप अगर ये सोचें कि 12 बजे टेस्ट है मैं 1 बजे समय हो जाऊं तो आपको वो ओपन नहीं होगा, बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको वो फीलिंग इस टेस्ट के माध्यम से दी जाएगी। एक बार बता दूं, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो रजिस्टर्ड के बाद वाली प्रक्रिया से फॉलो करेंगे, लेकिन जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं वो लोग पहले रजिस्टर करेंगे और देन स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, बिल्कुल आसानी से आप इससे जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले जज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है, एग्जाम नजदीक आने वाला है तो कैसे तैयारी करें कि हम यहां तक पहुंच जाएं। और ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो एग्जाम 24 आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर के आ रहा है, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है एग्जाम 24 का ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करें और दिए गए नियत समय में जरूर आप इस टेस्ट में शामिल होकर के अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और जो ये जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप पूरे, और ये ध्यान रखिएगा ये जो सेशन होगा ये अभी इतिहास के लिए है, केवल इतिहास के लिए है, आगे इसमें और विषयों को शामिल किया जाएगा, अभी ये बिल्कुल फ्री है। तो आप सभी लोग इंस्टॉल जरूर करें एग्जामिंग 24 का, उसके बाद रविवार को ये श्रृंखला शुरू हो रही है, रविवार से श्रृंखला शुरू हो रही है ध्यान रखिएगा, और उसमें जुड़ करके अपनी तैयारी को जज करने का मौका मिल रहा है, जरूर जज करिए अपने आप को, ठीक है। तो आज इस सेशन में यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।